प्रशासन की अनदेखी के कारण किसानों ने निकाला रेला और तोड़ा पुलिस का बैरिकेड्स। केवलारी संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध की आरबीसी दाई तट कैनाल के टेल क्षेत्रों में सिंचाई का पानी न मिलने से बीते कई दिनों से किसान जल संसाधन विभाग के प्रवीण चंद महाजन, कार्यपालन यंत्री रामशरण शर्मा एसडीओ एवं अमित सिंह एसडीएम से टेल क्षेत्रों में पानी पूर्ति किए जाने को लेकर लिखित संवाद कर बार बार किसान आग्रह कर रहे थे, लेकिन बीते 15 दिनों से किसानों की समस्या सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। सिंचाई के पानी को लेकर दिनांक 10 फरवरी 2021 को चांदनी चौक में सैकड़ों किसानों ने दिन भर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन स्थायी प्रशासन की हठधर्मिता कहे किसान इस बात करने के लिए कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मजबूरी वश किसानों ने निर्णय लिया कि दिनांक 11 फरवरी 2021 को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। शुक्रवार को दोपहर बाद स्वराज सिंह बघेल, दामोदर प्रसाद शुक्ला, शिवम बघेल, कमल सिंह बघेल, सुरेंद्र साहू, संदीप बघेल, पवन बघेल के नेतृत्व में हजारों किसानों का जत्था हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नारों के साथ एसडीएम कार्यालय के लिए कूच कर चुका था, लेकिन प्रशासन ने क्षेत्र के किसानों की आवाज को दबाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग के पास बैरिकेड्स लगाकर पुलिस और तहसीलदार को तैनात कर दिया। लेकिन किसान भी अड़ गए कि एसडीएम से नीचे किसी भी अधिकारी से कोई बात नहीं होगी। सैकड़ों किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने जाकर धरने पर बैठ गए। दोपहर बाद एसडीएम अपने ऑफिस पहुंचे, तब कहीं जाकर किसानों से चर्चा हुई। क्षेत्र के 14 गांवों के लिए देवरा टोला के गेट क्रमांक 468 से 190 सेंटीमीटर पानी दिया जाएगा और कल एसई जल संसाधन विभाग वैन गंगा कछार केवलारी आकर चर्चा कर पानी सप्लाई के लिए मॉनिटरिंग करेंगे एवं स्थानीय समाधान निकालने के लिए भी विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई जाएगी।